नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनीता। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है। जिले में मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध में लिप्त एक दंपत्ति को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह के निर्देश में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनकर व नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली पुलिस ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि इस मामले में काफ़ी समय से पुलिस कार्यवाही कर रही थी और आखिरकार इस दंपत्ति को दमोह जिले के बटियागढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की शुरुआत 25 नवंबर 2023 को हुई थी, जब कोतवाली क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्षीय बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी कक्षा 9वीं में पढ़ती थी और घर से पड़ोस में जाने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उसके बाद पास मौजूद मोबाइल भी बंद हो गया था। इस पर पुलिस ने धारा 363 IPC के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी। मानव तस्कर करने वालों को आपने पकड़ा है, क्या मामला? ये अपने 25 नवंबर 2023 को एक परिजन ने हमारे थाने पे एक FIR दर्ज कराई थी कि उसकी 15 साल की बेटी जो है अचानक घर से लापता हो गई, जिस पर थाना कोतवाली में धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था और अपराध पंजीबद्ध होने के उपरांत श्रीमान पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर एवं CSP महोदया शिवाली चतुर्वेदी के निर्देशन में पुलिस टीम गठित की गई थी, जिसपे पुलिस टीम के द्वारा लगातार गुमशुदा अपहृत बच्ची की तलाश के लिए प्रयास किए जा रहे थे और साइबर सेल का भी मदद दिया जा रहा था, लेकिन प्रारंभिक समय में कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन कुछ बाद में हमें लिंक मिले, जिसके माध्यम से हमने एक संदेही को सतना से, रविंद्र कोरी नाम का संदेही है, जिसको हमने सतना से अभिरक्षा में लिया था। उससे पूछताछ पर ये खुलासा हुआ कि रविंद्र कोरी ने ही उस 15 साल की बच्ची को बहला फुसला कर सतना ले सूरत ले गया था, सूरत ले जाकर अपने साथ रखा था। वहाँ पे उत्तर प्रदेश के एक कल्लू सिंह और उसकी पत्नी मिले, जिनने तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई बच्ची को बेचने की, और फिर उनने रविंद्र कोरी लड़की का भाई बन गया और कल्लू सिंह और उसकी पत्नी उसके माता पिता बन गए, और बाद में राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट के एक उत्तम सिंह नाम के युवक से 3 लाख में उनकी सौदा किया गया और राजस्थान जाकर के उसको जो है उसकी शादी करा दी गई और फिर लड़की को वहीं उसके उत्तम सिंह के साथ छोड़ दिया गया। जिस जानकारी मिलने के उपरांत हमने जो है रविंद्र कोरी के निशादेही पे राजस्थान जालौर टीम भेजा, जहाँ पर काफ़ी मशक्क़त करने के वो उपरांत हमने किसी तरह से उस लड़की को सुरक्षित वहाँ से निकाला और वापस लाए। इसी दौरान जो है उत्तम सिंह और उसके जो है चाचा गणपत जो है वहाँ से फरार हो गए, और बाद में जिन लोगों ने बेचा था, कल्लू और उसकी पत्नी भी लगातार फरार थे, ये यूपी में फतेहपुर ज़िले के रहने वाले थे, तो उनकी तलाश लगातार हमारे द्वारा की जा रही थी। अभी हाल ही में हमको पता चला कि ये दमोह में वटियागढ़ में इनका जो है इनका लोकेशन मिल रहा था, तो हमने टीम भेजकर 2 बार टीम भेजा और दूसरी बार में हमको सफलता मिली, तो हम दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सर, इस गिरोह में कितने लोग थे टोटल? इसमें जो है अभी तो 3 लोग जो है, रविंद्र कोरी, कल्लू सिंह और कल्लू सिंह की पत्नी, ये 3 लोग जो हैं ये बेचने वाले थे, और जो उत्तम सिंह जो है उसने जो है इसके शादी करके अपनी पत्नी बना कर रखा था, और उसका चाचा गणपत ने उसका सहयोग किया था। तो
ये मानव तस्करी का काम कितने दिनों से लगभग कर रहे हैं सर? ये अभी प्रारंभिक पूछताछ पे तो यही यही पहला ही मामला खुलासा हुआ है और हमने इसमें जो है धारा भी बढ़ाया है, धारा 370 IPC भी बढ़ाया है इसमें, और उसके तहत कार्रवाई की है।